आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसका इस्तेमाल आप केवल शॉपिंग करने या एटीएम से रुपए निकालने के लिए ही करते होंगे। लेकिन बैतूल जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में एक किसान के बेटे ने एटीएम जैसी मशीन से रुपए नहीं बल्कि दूध भी निकालता है। इस युवा उद्यमी ने सरकारी मदद और अपनी मेहनत से ऐसी 4 मशीन खरीद ली है। ये कहानी है बैतूल ब्लॉक के छोटे से गांव कोदा रोटी में रहने वाले 25 वर्षीय किसान के बेटे रोहित यादव की। रोहित के घर पर कई दुधारू पशु हैं, जिनसे रोजाना 100 लीटर दूध मिलता है। पहले जब रोहित ये दूध बेचने जाते थे तो दूध का दाम अधिकतम 20 रुपए प्रति लीटर मिल पाता था, जिससे कई बार मुनाफा तो दूर लागत निकालना भी मुश्किल होता था। फिर एक दिन रोहित को मिल्क वेंडिंग मशीन के बारे में जानकारी मिली, जो एटीएम की तर्ज पर बनाई गई एक क्रांतिकारी तकनीक है। रोहित के आइडिया पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन माँ ने बेटे के सपने के लिए अपनी 25 लाख रुपए कीमत की जमीन बेच दी। देखिए सर, मैं पहले मेरे गांव में था तो हम सांची में देते थे मिल्क, और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता था। तो मैंने देखा वहाँ पे जो रेट था वो बहुत ही कम था, 20-22 रुपये लीटर वो हमसे मिल्क लेते थे। तभी मुझे आइडिया आया कि मुझे खुद का ब्रांड कुछ बना के बेचना है। तो पाश्चराइजेशन की जो विधि होती है, जो पैकेट बनाने की, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी। तो मुझे आइडिया आया, मैं जब शहर आया तो देखता था मैं कि जीवनधारा की जो पानी सेल करने की जो गाड़ियाँ हैं इनको मैंने देखा, इसी से मुझे आइडिया आया। और मेरा थोड़ा उनसे अलग है जीवनधारा का, उनका है कि कॉइन सिक्के वगैरह डालने का चला है, और मैंने कॉइन वाला नहीं किया, मैंने कार्ड वाला सिस्टम, प्रीपेड जो कार्ड होता है उस विधि से मैंने ये सिस्टम डाला। देखिए सर, मैंने जब ये इसका पूरा बजट निकाला तो लगभग 30-35 लाख का लगभग हो रहा था। तो मैंने घर पे पापा वगैरह को बोला, बट पापा ने तो सपोर्ट नहीं किया। फिर मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया इसके लिए, लगभग 25 लाख की राशि मम्मी के द्वारा दी गई, और बाकी मैंने फिर पहले तो मम्मी ने जो पैसा दिया मैंने उसी से कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप किया। कैसे लाए मम्मी ने पैसा? मम्मी ने तो, मैंने घर पे मांगा तो पापा ने तो दिया नहीं, तो मम्मी ने फिर अपनी ज़मीन सेल की और उससे मुझे पैसा दिया 25 लाख। माँ से मिले सहयोग ने रोहित का हौसला बढ़ा दिया और साल 2022 में रोहित पहली मिल्क वेंडिंग मशीन लेकर आए, जिससे रोजाना 100 लीटर दूध बेचने की शुरुआत की। रोहित सही साबित हुए क्योंकि बैतूल में लोगों को दूध लेने की यह तकनीक पसंद आई। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी मिली, जिसके माध्यम से उन्हें 11 लाख रुपए का आसान और ब्याज मुक्त लोन मिल गया। रोहित ने माँ से मिले रुपए और सरकारी लोन की मदद से एक एक कर 3 मिल्क वेंडिंग मशीनें और खरीदकर अपने व्यवसाय को एक छोटे से उद्यम में बदल दिया। बाकी फिर हमने जब प्रोजेक्ट डाल दिया उसके 6 महीने के बाद में फिर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, उसमें मैंने 11 लाख का उद्यम क्रांति योजना से लिया। तो कलेक्शन सिस्टम ऐसा है, हमारे टेक्नोलॉजी का है पूरा, कि हम जो हमारे किसान हैं उससे हम जब कलेक्शन करते हैं तो उनका फैट डिग्री टेस्ट करके उनके सामने ही नापते भी है, और उनको मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा उनको स्लिप भेज दी जाती है MMS के द्वारा, कि आपका इतना फैट, इतनी क्वालिटी, इतना रेट। उसके बाद में कलेक्शन करने के बाद में हमारे पास चिल्ड टैंकर है, BMC जिसको बोलते हैं हम, जो 29 सेंटीग्रेड से 4 पे लाके सेट करता है मिल्क को। उसके बाद हम, हमारी जो चारों गाड़ियाँ है जो मिल्क ATM वाली, इसमें अलग अलग जितनी क्वांटिटी इनकी, जितनी सेलिंग की कैपेसिटी है उतना हम इनमें लोड कर देते हैं। 6:30 से 7 के बीच में हम इनको अलग अलग रूट पे शहर में भेज देते हैं, और कस्टमरों को जो ATM कार्ड की जो सुविधा है, वो हम, ये ATM कार्ड है हमारा, हम इनको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बस हम उनसे रिचार्ज का पैसा लेते हैं, जितना, सपोज किसी कस्टमर को 1 लीटर लेना है तो 1500 रुपये का रिचार्ज करा सकता है, उसमें 1 महीने उनका कार्ड चलेगा। अब पैनल पे जैसे ही कार्ड लगाएंगे वैसे ही जितनी क्वांटिटी की उनको मिल्क चाहिए उतना वो डिडक्ट कर सकते हैं। अभी तो हमारा लगभग 500 से 600 लीटर मिल्क कलेक्शन होता है, जिसका टर्नओवर 6 से 7 लाख रुपए का होता है। अब रोहित अपने व्यवसाय के अगले पड़ाव पर आ गए हैं और बैतूल के उद्योग विभाग में काना फूड इंडस्ट्री नाम की खुद की फर्म रजिस्टर करवाई।
अब रोहित की फूड इंडस्ट्री रोजाना बैतूल शहर में 4 मिल्क वेंडिंग मशीनों की सहायता से 400 लीटर से ज्यादा दूध बेच रहे हैं और प्रतिमाह 7 से 8 लाख का व्यवसाय कर रहे हैं।